बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की निगाह में हकीकी ईद क्या है, इस उनवान से कुछ मारूज़ात पेश करनी है। और गुजारिश ये है कि ईद की तैयारी कीजिए, लेकिन हम जब ईद की तैयारी करते हैं तो हम समझते हैं कि अच्छा लिबास और अच्छी गिज़ा को आमादा कर लेना ही हकीकत में ईद की तैयारी है। नहीं अजीज़ान, ईद की हकीकी तैयारी ये है कि जैसे जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हर वो दिन जिस दिन अल्लाह की मासीयत न की जाए उस दिन को ईद कहते हैं। और नाजुल बलागा की हिकमत 428 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईद हकीकत में उसके लिए है कि जिसके रोज़े कबूल हों और जिनकी नमाजों को क़याम को अल्लाह ने पसंद कर लिया हो। हमें थोड़ा सा वक्त निकाल के इसको देखना है कि क्या हमारे रोज़े कबूल हुए हैं या नहीं, क्या हमारी नमाजें कबूल हुई हैं या नहीं। और इसका इम्तिहान कैसे किया जाए, इसका इम्तिहान यह है कि अल्लाह ने जो अहकाम सादर फरमाए हैं उनको हमने अपनी ज़िंदगियों में अपनाया है या नहीं। लिहाजा अल्लाह सुबहानहु ताला ने जो हुक्म दिया है उसको अगर हम बजा लाते हैं, गुनाहों से बचते हैं, तो हकीकत में ये ईद हो जाएगी। मैं अक्सर याद किया करता हूँ ईद के मौके पे, और ये जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपनी आखिरी वसीयत में भी, वसीयत 47 में इरशाद फरमाया अपने दोनों बेटों को मुखातब होकर। इमाम फरमाते हैं कि बेटो अगर आप ज़िंदगी में ये काम करो, और उनमें से एक ये है कि सिलाह ज़ात बैनकुम, आपस के एक दूसरे के दरमियान के मामलात को बेहतर रखो। और फिर यहाँ जो जुमला मुझे बहुत पसंद है और मैं दोहराऊँगा और आपसे भी गुजारिश करूँगा, तवज्जो फरमाइए कि इमाम फरमाते हैं आपस के ताल्लुकात को बेहतर कीजिए, इसलिए कि मैंने आपके नाना से सुना है कि ये आपस के ताल्लुकात को बेहतर करना ये आम नमाज और रोज़े से भी अफजल है। अब यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इन ताल्लुकात पे बहुत ज़ोर दिया, तो मैं ईद के हवाले से बस इतना गुजारिश करूँगा कि देखिए ईद की तैयारी कीजिए। आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली फरमाया करते थे ईद की तैयारी ये नहीं होती कि आप लिबास अच्छा तैयार कर लें। हाँ, लिबास तो अल्लाह सुबहानहु ताला ने बहुत सारे हैवानात को हमसे बहुत खूबसूरत लिबास पहना के भेजा है और हमेशा वो उसको पहने रखते हैं। आप अगर परिंदे देखें कि उनके पर कितने खूबसूरत, मोर जैसे परिंदे को देखिए, हैवानात देखिए और हैवानात कितने खूबसूरत रंग बिरंगे उनके लिबास जो रब ने उनको पहना के भेजा है। मसलन मोर के बारे में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तो लिबास पहनना तो ये हैवानात जो हैं वो ऑलरेडी पहने हुए हैं। तो आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली फरमाते हैं कि हकीकत में ईद ये है कि हम हैवान के लिबास वाले फ़ख्र पे फ़ख्र नहीं करें, बल्कि ख़ुद को हैवानियत के अखलाक से दूर करें। हैवानियत के अखलाकियात क्या होते हैं, मैं ये गुजारिश करूँगा कि जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जो दुआएँ विदाए माह रमज़ान, जिसको अल्लाह के औलिया के लिए ईद का महीना करार दिया है, दुआ नंबर 65 में दुआए विदाए रमदान में जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माह रमदान ईद औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों की ईद है। तो इस अखलाकियात, इसमें जनाब इमाम ने बहुत सारे बयान किए, उन अखलाकियात को देखिए। और फिर मैं इतना अर्ज करूँगा और अक्सर अर्ज करता रहता हूँ कि देखिए टूटे हुए दिलों की तस्कीन का जरिया मुहैया कीजिए और रूठे हुए रिश्तों को इकट्ठा करने का और जोड़ने का एहतमाम कीजिए। यही हकीकत में अखलाक इलाही जो उसने हमें हुक्म दिया है, और यही हकीकत में ईद की तैयारी है। फिर दोहरा रहा हूँ क्या है कि टूटे हुए दिलों की तस्कीन का एहतमाम कीजिए, रूठे हुए रिश्तों को जोड़ने का बंदोबस्त कीजिए। हमारे ज़रिए से अब पहले तो यह है कि हमारे अपने अगर रिश्ते कोई हमसे रूठे हुए हैं तो उनको जोड़ें, या हमने किसी के दिल को तोड़ा हुआ है तो हम उससे माजरत करके और माफ़ी लेके उसके दिल को तस्कीन दें। और फिर यह है कि रिश्तों में सर फहरिस्त जो रिश्ता आता है वो है वालिदैन का रिश्ता। कोशिश करनी चाहिए कि ईद के दिन अगर अब तक हमारे पास वक्त नहीं था वालिदैन के लिए तो अब वक्त निकालें। मैंने बाज़ बुज़ुर्गों को देखा है वो पहला काम ईद के दिन गुस्ल के बाद क्या करते थे, वालिदैन की कब्रों पे जाके उनको सलाम। तो जिंदा वालिदैन हों। अब फिर ये नहीं कि हम यहाँ छुट्टियों पे जा रहे हैं और हम यहाँ बाहर जा रहे हैं और हमारे पास शाम को हम आएंगे, नहीं अजीजन,
खुशी हकीकी ये है कि वालिदैन को खुश कीजिए, वालिदैन खुश होंगे तो खुदा खुश होगा। और हम अगले सेशन में इंशाल्लाह अर्ज करेंगे कि गुरबा का भी ख्याल रखिए, लेकिन यहाँ दो जुमले बस, टूटे हुए दिल और रूठे हुए रिश्ते, इनको बेहतर करें। इंशाअल्लाह आप किसी की खुशी का जरिया बनेंगे तो आपको अल्लाह हकीकी खुशियाँ अता करेगा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका सबको हकीकी खुशियाँ नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।